अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो कहा कि जो शर्तें हैं वो ट्रायल कोर्ट लागू करेगा, तय करेगा, तो किन शर्तों पे अब संजय जी को जमानत मिली है? आज ट्रायल कोर्ट ने बेल की कंडीशंस जो है वो क्रिस्टलाइज किया, तो उसमें जो कंडीशंस हैं वो सबसे पहले तो 2 लाख रुपीज़ का श्योरिटी जो है, अमाउंट ऑफ 1 श्योरिटी वो निर्धारित किया है। दूसरा, उनके पासपोर्ट को कोर्ट ने कहा है कि आप इनको कोर्ट में डिपॉजिट करेंगे और कंट्री आप लीव नहीं करेंगे, मतलब देश छोड़ के नहीं जाएंगे। और तीसरा जो कंडीशन है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि आप अपने अपनी भूमिका को लेकर, इस केस में जो आपकी भूमिका है उसको लेकर जो है आप कोई बात नहीं करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है वो यहाँ पे भी वो कंडीशन है। और चौथी कंडीशन ये है जो कोर्ट ने लगाई है, वो ये कहा है कि आप अगर कहीं पे बाहर जाते हैं दिल्ली के, तो आपका जो शेड्यूल है वो आप जो है जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है इस केस का, उससे आप शेयर करें। कल एक बात को लेकर बड़ी चर्चा थी कि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उसमें संजय सिंह हिस्सा ले पाएंगे, तो क्या जो डिटेल्ड ऑर्डर आया इसमें उसका कुछ जिक्र या कुछ पाबंदी या कुछ अनुमति ऐसा कुछ है? नहीं, हमने कोर्ट के समक्ष जो हमारी सबमिशंस थी और कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, कंडीशंस जो ऑलरेडी का है, अभी ऑर्डर तो वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू कम, बट अभी तक जो है इस बाबत कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं। क्या आज ही कितने बजे तक छूट सकते हैं, थोड़ा कुछ आइडिया होगा? यहाँ से रिलीज ऑर्डर बन जाएगा और ये तिहाड़ जेल में जाएगा, इसमें जितना भी वक्त लगेगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आफ्टरनून में वो छूट जाएगा।